हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एकदम सुबह सुबह हम कढ़ाई उठा के चले आए हैं, बहुत दूर घर से एकदम दूर आ गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूड़ी बना रहे हैं। सभी लोग बोले कि तुम सुबह सुबह निकल जाओ, तो सुबह सुबह आ गए हैं। और आए कहाँ हैं, माता रानी के मंदिर में आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ईंट बहुत सारी पड़ी हुई थी ना, तो ईंट की हमने बना लिए हैं चूल्हे। और यहाँ पे माता रानी के लिए बना रहे हैं प्रसाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर में आए हैं। और बहुत बड़ा यहाँ पे बरगद का पेड़ है, तो उसी बरगद के छाए में बैठ के हम पूड़ी बना रहे हैं। तो जब सुबह सुबह आए थे ना, 6:30 बजे सुबह सुबह, तो यहाँ पे कोई नहीं था, बस 2-3-4 लोग दिख रहे थे, बाकी कोई नहीं यहाँ पे दिख रहा था। तो देख सकते हैं लगभग हमारी पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। और देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो है कोई शुभ कार्य होता है तो माता रानी को जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। वैसे भी हर साल जो है दशहरा के दिन जो है प्रसाद यहाँ पे बना के माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यूज़ है यहाँ पे, एकदम हरियाली हरियाली है यहाँ पे। और ये जो बरगद का पेड़ है ना, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे मान्यता है, मतलब जो भी लोग कोई मन्नत कोई लोग मानते हैं ना, तो उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं, माता रानी यहाँ पे पूर्ण करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं प्रसाद के लिए। बस अब वहाँ पे ये तैयार हो गई। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं आटे का हलवा। तो यहाँ पे आटे का हलवा ही बनता है माता रानी को प्रसाद में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले खूब सारा घी डाला और आटे को डाल के अच्छे से हमने भून लिया है। तो आप देख सकते हैं आटे का जो कलर है ना, भुनते भुनते एकदम ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह से भुनना है, जितना अच्छा भुनेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो प्रसाद वैसे भी आप किसी भंडारा हो या देवी स्थल, कोई मतलब ऐसे कोई स्थान अगर होता है ना मंदिर में, तो आप कोई भी चीज़ मन से बनाते हैं ना, उसका वास्तव में स्वाद तो वैसे ही दुगना बढ़ जाता है। थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा भी होता है ना, तब भी पता नहीं क्या ऐसा होता है जो है स्वाद दुगना बढ़ ही जाता है। तो बस अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेट में हमने जो आटा भुना था ना वो साइड में रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। और बस अब यहाँ पे हम पानी डाल दे रहे हैं, अंदाज बस डाल रहे हैं, क्योंकि ये कढ़ाई ना थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि कढ़ाई मतलब पूजा पाठ के हिसाब से सही है, थोड़ा ही बनाना था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था। और प्रसाद हमारे यहाँ दिया भी जाता है सबको। तो बस पानी अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ पे हमने डाल दिया है गुड़, छोटे छोटे पीस कर लिए थे ताकि जो है जल्दी से गल जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो बस अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से इसे हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है और गुड़ अच्छे से गलने देना है। तो यहाँ आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब प्रसाद बनता है इसका तो जो है आटे का, तो गुड़ का ही माना मतलब शुद्ध माना जाता है प्रसाद में चढ़ाने के लिए यहाँ पे, तो गुड़ का ही बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गुड़ का। तो इसे आप हलवा भी बोल सकते हैं या लपसी भी बोल सकते हैं। मेरे यहाँ वैसे ये गांव में इसको लपसी ही बोलते हैं, तो आप हलवा भी बोल सकते हैं, आप दोनों चीज़ बोल सकते हैं। अब अच्छे से हमने पका लिया है गुड़ और पानी अच्छे से जब पक जाए ना, बस अब इसे हम डाल दिए हैं। तो ऐसे कढ़ाई छोटी थी लेकिन फिर भी अच्छे से मिला दे रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बट कोई बात नहीं, अच्छे से बन जा रहा है, तो माता रानी की कृपा है, वैसे भी बन जाएगा अच्छे से। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हलवे को बहुत अच्छे से पका लिया, यानी लपसी को हमने अच्छे से पका लिया। तो आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा कलर आया है। बस अब यहाँ पे पूड़ी के ऊपर इसे हम रखते जाएंगे हलवे को। तो आप देख सकते हैं हमने नीचे ढाक के पत्ते रखे गए हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि ये पत्ता जो है शुद्ध माना जाता है, तो ढाक के पत्ते पे रख के पूड़ी और हलवा रख के माता रानी को भोग में प्रसाद में मतलब इस तरह से रख के चढ़ाया जाता है। तो मेरे यहाँ ये पत्ता बहुत आसानी से मिल जाता है, या केले के पत्ते में या वैसे ढाक के ही पत्ते में चढ़ाया जाता है। बस चलिए चलते हैं हम मंदिर की तरफ और माता रानी की पूजा पाठ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं माता जी को पूजा लगाने, और यहाँ पे छोटे छोटे दिए भी बना लिए थे हमने, घी के और उसके आटे के छोटे छोटे दिए बनाए थे, और घी लगा के उसमें दिया जलाने के लिए।
माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो ये जो साड़ी चढ़ती है हम लोग के यहाँ, कोई शुभ कार्य होता है ना तो जरूर चढ़ाया जाता है। जैसे अभी मेरी शादी थी, ये साड़ी होती है ना चढ़ाने के बाद मतलब पहना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो यहाँ माता रानी को जो है दिया और धूप बत्ती ये सब माता रानी को दिखा रहे थे, मतलब पूजा कर रहे थे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे फेरे भी लिए जाते हैं, मतलब 7 बार फेरे भी लिए जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है। तो इस जगह का नाम है बसोगरी। बहुत ही मतलब कोई भी किसी का कार्य होता है ना तो जरूर पूरा होता है यहाँ पे। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैं आई तो कुछ नहीं था, धीरे धीरे यहाँ पे मेला जो है लग चुका है, सज गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मंदिर में कढ़ाई देने ले मतलब आए थे पूजा करने के लिए, कोई लकड़ी से कोई कुछ लेके अपने हिसाब से सब व्यवस्थित होके सब लोग आए थे यहाँ पे मंदिर में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं मेला भी सज गया, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी यहाँ पे उपलब्ध है। तो आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।